जो अपने संसार के नियमों को भंग करने के लिए उत्सुक था? दारू! फिर तो आपने अवश्य उस दुष्ट दारू को दंडित किया होगा ना माता? मैंने उसकी रक्षा की। क्यों की आपने उसकी रक्षा? इस प्रकार मैंने ही अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में सभी भुवनों की रचना की और तत्पश्चात मैथुनी सृष्टि का आरंभ संभव हो सका। भुवनेश्वरी स्वरूप में मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही सभी भुवनों की स्थिरता प्रदान करती और उनमें बसे प्राणियों का पालन करती। सृष्टि के सभी जीव मेरी ही संतानें हैं, फिर वो मनुष्य हो अथवा सूक्ष्म जीवाणु, और मुझसे ही उन सभी जीवों का लालन पालन संभव है। मेरे इस रूप की साधना करने वाले साधक को सर्व सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन धान्य और संतान से परिपूर्ण होता है। धन धान्य वस्त्र आदि सभी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मेरी भक्ति करने वाले भय से मुक्त होकर निर्भयता से अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे इस रूप का बीज मंत्र ह्रिम में ही आधारित होता है और इस बीज मंत्र का जाप करने वाला भक्त स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अष्ट सिद्धि धर्म लक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूला पुक्कारा देवी पसांगुसा विश्वधारिणी खड़गा खेड़ा दरा देवी घंटिणी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी उद्यन्दिन्द्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। प्रकार संसार का निर्माण किया रे मैंने, त्रिगुणों पर ही आधारित था मेरे द्वारा रचित संसार का अस्तित्व और प्रत्येक प्राणियों को उसका स्थान उसके कर्मों के अनुसार दिया गया, किंतु मेरे इस संसार में भी असंतुलन उत्पन्न हो ही गया। संतुलन माता, किंतु आपके द्वारा रचित संसार में किसी दोष अथवा विकार का स्थान कहाँ था? वो तो निर्विकार और दोष रहित होना चाहिए था। फिर उसमें असंतुलन आने की संभावना कहाँ थी माता? त्रिगुण अर्थात सतो रजो और तमो अर्थात सात्विक राजसिक और तामसिक आधारभूत गुण थे मेरे संसार के, इसीलिए उसमें बसे प्राणियों में भी ये तीनों गुण प्रस्तुत थे। देवता ऋषि मुनि दिव्यात्मा मनुष्य निरी प्राणी असुर दानव दैत्य सभी मेरे इसी संसार के वासी थे, इसीलिए असंतुलन का आरंभ तब हुआ जब तामसी प्रवृत्ति की अधिकता से प्रभावित असुरों की लालसा में वृद्धि होने लगी। वो अन्य लोगों को लालच की दृष्टि से देखने लगे, मुख्य रूप से पृथ्वी को। रुको,
क्या हुआ? रुक क्यों गए? हमें शीघ्र ही अपने निवास की तरफ चलना चाहिए, जिससे हमारी स्त्रियां इस आखेट को पका सके। भूख लगी है हमें, शीघ्रता करो, चलो आगे बढ़ो। कब तक भटकते रहेंगे हम इस प्रकार? आखेट ढूंढने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कब तक करना होगा परिश्रम? यूं ही कब तक? कब तक का क्या अर्थ है? ये हमारा लोक है और यहाँ का यही नियम है। जब तक जीवित रहेंगे हम यही रहेंगे और इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। उचित कहा तुमने, ये लोक हमारा है, पर वो लोक, वो भी तो हमारा हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो पृथ्वी लोक है, हम वहां नहीं जा सकते, हमारा वहां जाना निषेध है। मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा मैं। मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है, मुझे पृथ्वी लोक को पाना है। माता, कौन था ये असुर जो आपके संसार के नियम भंग करने का दुस्साहस करने का इच्छुक था? असुरराज दारु, असुरराज दारु, असुरराज दारु। तब तो आपने अवश्य उस असुर दारु को दंडित किया होगा ना माता? नहीं गणेश, मैंने उसकी रक्षा की। माँ ने रक्षा की उस दुष्ट असुर की? ये क्या कह रही है माता? उसे तो कठोर दंड का भागी होना चाहिए था। आपने उस असुर को उसके अपराध का दंड क्यों नहीं दिया माता? और उसकी रक्षा क्यों की आपने? क्यों माँ, क्यों किया आपने उसकी रक्षा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किंतु माता को रुष्ट किए बिना। सत्य थारे, दारू की लालच भरी दृष्टि पृथ्वी पर थी, क्योंकि फल पुष्प अनाज आहार आदि से परिपूर्ण पृथ्वी सौंदर्य रूपिणी थी। इस संपदा का अधिकार जो अभी तक पृथ्वी वासियों के पास था, उसे पाना चाहता था दारू। किंतु माता, इसमें क्या अपराध हुआ उससे? क्योंकि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तो सभी को अधिकार है। अधिकार अवश्य है, किंतु किस मूल्य पर गणेश? दूसरों के अधिकारों को छीन कर कुछ प्राप्त करना उचित नहीं। दारू पृथ्वी का आधिपत्य चाहता था, जिससे वो सभी ऋषि मुनियों अथवा ग्रामीण मनुष्यों को अपना दास और आहार बना सके, अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाकर अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता गणेश। तो माता, ये सब ज्ञात होने पर भी आपने उसकी रक्षा की? हाँ, रक्षा की मैंने उसकी, क्योंकि मैं विवश थी। आप विवश थी माता? कैसे? इतनी सामर्थ्य किसमें है जो आपको विवश कर सके? क्या कारण था आपकी विवशता का माता? दारुका, दारु की पत्नी दारुका थी मेरी विवशता का कारण। आदि शक्ति हूँ मैं, किंतु जगत जननी भी तो मैं ही हूँ। चार अचार समस्त जीवों की माँ मैं ही हूँ, और फिर अपनी किसी भी संतान को कष्ट में देखकर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी गणेश? माता किस पीड़ा की बात कर रही है? मेरी बहुत महान
भक्त थी दारू की पत्नी दारुका, जिसने मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी कठोर तपस्या की। तब मैं ही अपने आदि शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त थी। आदि शक्ति नमो नमः। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए। इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपने अपनी इस भक्तिन को अपने दर्शन सुख से वंचित रखा माता। मेरे प्रति कठोर रहकर मेरी परीक्षा ले रही है माता, तो उचित है अब आप भी मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखेंगी माता। शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आसुरी थी दारुका, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव था उस पर, इसीलिए उसने कठोरतम भक्ति मार्ग अपनाया था। शक्ति नमो नमः। स्वयं को कष्ट पहुंचा रही थी वो। आदि शक्ति नमो नमः। मुझे उसके तप से विवश होकर उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। पुत्री दारुका, पुत्री दारुका, पुत्री दारुका। माता, है माता, आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए, ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ, क्योंकि माता हम असुर सभी आनंद प्राप्ति के सुख सुविधाओं से वंचित है, इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांगकर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। ये अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका, अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य, अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे
और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ, इसीलिए जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु, कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया, तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, बन दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारु और भी पाना चाहता था, और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। तू क्यों विचार मग्न खड़ा है रे? जय अनुजी, प्रश्न पे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है। पूछ रे, तेरे मन में क्या प्रश्न है, पूछ, संकोच मत कर। माता, मैं स्वीकार करता हूँ कि रसातल पृथ्वी जितना सुंदर नहीं था, किंतु पृथ्वी पर तो ऋषियों, मुनियों और अन्य वासियों ने उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किए थे। भूमि को जोतकर उस पर अनाज की उपज उत्पन्न की थी, अपने लोक कल्याण के लिए यज्ञ किए थे। इसीलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ माता, कि जब आपने दारुका को उसका वन दे ही दिया था तो असुरों ने रसातल को पृथ्वी के समान बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तामसी प्रवृत्ति का परिणाम है रे, जो उससे प्रभावित होता है वो ये मानने लगता है कि जब सब कुछ छीन कर प्राप्त किया जा सकता है तो उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है, और वही किया उस दुष्ट दारुक ने भी। मेरे प्रिय असुरो, कोई नहीं हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी के कठोर तप के कारण स्वयं आदिशक्ति बनेगी हमारा दिव्य कवच। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सर्वोच्च देवी शक्ति हमारी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। किंतु असुर श्रेष्ठ, हमें पृथ्वी पर आक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास भी तो यह सारी संपदा है। है, अवश्य है, किंतु सोचो, क्या यह मात्र एक वन हमारी संपूर्ण असुर जाति के लिए पर्याप्त है? मेरी पत्नी ने इतने कष्ट उठाकर घोर तप किया, आदिशक्ति ने उसे क्या दिया? ये एक वन, जिस वन में हम अपना भोजन जुटाने के लिए संपूर्ण जीवन आखेट करते रहे, विवश होते रहे, श्रम करते रहे। नहीं, हम मात्र एक लघु अंश से संतुष्ट क्यों हो? क्यों 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 क्यों? इस वन को और इसके फलों को पाकर प्रसन्न क्यों हो? इस वन में भोजन प्राप्ति को आखेट के लिए श्रम कर करके स्वयं को कष्ट क्यों दे? क्यों? जबकि थोड़े से श्रम में हम उन तुच्छ मनुष्यों को अपना दास बनाकर उनसे ये कार्य करवा सकते हैं।
उनको अपना आहार बना सकते हैं। असुर श्रेष्ठ दारुक उचित कह रहे हैं, हम पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करेंगे पृथ्वी पर, हम पृथ्वी को अपना बनाएंगे, हम आहार बनाएंगे उन्हें अपना, आहार बनाएंगे उन्हें अपना, मनुष्य को। असुर श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। माता के वरदान का अनुचित लाभ उठाना कहीं पृथ्वीवासियों को संकट में ना डाल दे। वरदान और आशीर्वाद कल्याण और दूसरों की सहायता के लिए होता है, ना कि दुरुपयोग के लिए।